हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर। और इस समय बहुत ज़्यादा एक चीज़ चल रही है कि एक कमेटी नीट 2024 में, आपको पता है, कुछ गड़बड़ियां हुई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप 7 लोगों की एक कमेटी बनाइए, जिसमें अपने एम्स के डायरेक्टर भी थे, और कमेटी की आप बताइए कि किस वजह से कट ऑफ इतना ज़्यादा जा रही है। तो ये सारी चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि एक कमेटी को बनाना है। राधाकृष्णन कमेटी बनी और उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। 2-3 दिन हो रहा है 4 दिन हो रहा है, उस कमेटी की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के बाद दुनिया भर की अटकलें सबके मन में जग रही हैं, विशेष तौर पर उनके लिए जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, जो बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल के ड्रॉपर्स हैं, क्योंकि नीट एक लंबी जर्नी है, नीट आसान चीज़ नहीं है, समय लगता है। और समय लगता है, अच्छी जगह आप जाते हैं क्योंकि फिर आप डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है धरती पर, तो बड़े काम के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा समय लगता है। लेकिन इस समिति की रिपोर्ट से डॉक्टरों के मन में और तमाम जो हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, जो ड्रॉपर्स प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, उनके मन में कई सारी चीज़ें हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या किया जाए। तो बिल्कुल बहुत क्लियर है कि कहीं से भी उस कमेटी के जो 3 मेन सजेशन थे, उस कमेटी ने सजेशन दिया है। अब उस सजेशन पर सुप्रीम कोर्ट बात करेगी, फैसला करेगी, चर्चा होगी, फिर आदेश आएगा, ये करना है, वो करना है, तो दुनिया भर की चीज़ें इम्प्लीमेंट अभी नहीं होने वाली कुछ भी। ये अगर इम्प्लीमेंट होंगी भी, उसके 3 सजेशन कमेटी के मेन हैं। पहला सजेशन ये है कि सर हाइब्रिड मोड में करवाइए, जितनी जगह पर हो सके मैक्सिमम जगह पर ऑनलाइन करवाइए, नहीं तो फिर हाइब्रिड मोड में परीक्षा करवाइए। दूसरा ये बताया गया कि जैसे आप IIT JEE में करते हैं कि 2 टायर में एग्ज़ाम होता है, एक मेंस होता है, एक एडवांस होता है, उस तरीके से नीट का भी कराइए। तीसरी चीज़ कही गई कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स लगाइए, क्योंकि JEE में भी नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स हैं तो नीट में भी नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स लगाइए। ये 3 सजेशन कमेटी ने दिया। अब साहब 3 सजेशन है, इस 3 सजेशन से दुनिया भर की अटकलें और भ्रांतियाँ आ रही हैं। पहली चीज़, तीसरी चीज़ जो थी उस पर डॉक्टर सुमन सर ऑलरेडी वीडियो बना दी आपको कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और एज लिमिट को किस तरीके से उन्होंने बता दिया पिछले वीडियो में, और उन्होंने कह दिया साफ तौर पर कि किसी भी तरीके से कुछ भी चेंज इसमें तो फिलहाल नहीं आने वाला। रही बात 2 चीज़ों की कि सर हाइब्रिड होगा क्या एग्ज़ाम, या फिर सर ऐसा होगा कि IIT के तरह 2 टायर में पेपर होगा क्या, तो इस पर अगर बात करी जाए तो मुझे नहीं लगता कि 2025 से ये सब शुरू होने वाला है। हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन होंगे भी तो 2026 या 2027 के नीट से होंगे, तब तक चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर और बदल जाएंगी। 2025 का नीट जैसे पहले होता आ रहा है वैसे ही होगा। हाँ, एक चीज़ है कि 200 सवाल पहले आते थे, अब की बारी सेक्शन बी हटा दिया गया है, 180 सवाल आएंगे और 180 सवाल आपको करने हैं। तो मेन चीज़ यही थी कि किस तरीके से कट ऑफ को कम किया जाए, क्योंकि आपको पता चला 720 नंबर ला करके भी अगर एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है तो कितनी पढ़ाई की जाए। तो कट ऑफ को कम करने की एक पहल थी, कोशिश थी, जिसके लिए समिति बनाई गई, समिति का रिपोर्ट आया। बाकी इस समिति की रिपोर्ट से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ऑलरेडी नोटिफिकेशन भी NTA का नीट 2025 का आ ही गया है शायद, उसमें भी चीज़ें जो है एज लिमिट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में कहीं कुछ भी आपको नहीं कहा गया है। तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए, एज लिमिट के लिए और बाकी तमाम चीज़ों के लिए 2025 के नीट के लिए तो बिल्कुल क्लियर रहिए कि 2025 का नीट में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। अगर होगा भी तो 26 या 27 से होगा। तो जितने भी ड्रॉपर बच्चे हैं उनके लिए आप कह सकते हैं कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, आखिरी मौका है। अपना चूक चौहान वाली बात होती है कि अब आपको चूकना नहीं है, इस बार आप जो है ढाला फेंकिए और पार मेडिकल कॉलेज के पहुंचा दीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, नीट से छुटकारा हासिल करिए। तो जो तमाम ड्रॉपर बच्चे हैं जिनका मनोबल थोड़ा सा गिर रहा था, उनको अपना मनोबल गिराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आप पढ़ाई अपनी कर रहे हैं उसी तरीके से पढ़ाई को जारी रखिए, और कहीं पर भी कोई शेष करने की ज़रूरत नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं, प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करिए। 2025 फेयर चांस सबके लिए रहेगा, कुछ भी चेंजेस आएंगे तो 26 और 27 से आएंगे, ये 25 वैसे ही है जैसे पहले नीट होता था। तो इस बार जो है एकदम अपने आप को तैयार कर लीजिए और उस पार चले जाइए, जो नहीं है कि मुझे जाना है उस पार, तो उस पार मेडिकल कॉलेज है, उस पार चले जाइए इस बार, या आर या पार कर दीजिए, ख़त्म करिए, बाकी लग करके पढ़ाई करिए। बहुत इधर उधर की चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत से लग करके पढ़ाई करिए, गोल जो आपका है, जो एम है, उस एम टारगेट के प्रति लगे रहिए।
पढ़ाई करते रहिए। बायो बूस्टर्स पर भी जो भी चीज़ें परेशान करती है उसके वीडियोस हम बना करके पब्लिकली ही डालेंगे।